Guys, what's up? Welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Sonali and I create content on beauty, fashion and lifestyle. So if you enjoy watching hauls, vlogs and makeup related content, then make sure you are subscribed to this channel and you watch all of my videos and also click on the bell icon so that you get notified every time I click a new video. जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, इतने आवाज़ होते हैं that I don't want to film anymore. सब आ जाते हैं चिल्लाने, आई डोंट नो वाई, मेरे घर से बाहर से सब, एंड दैट जस्ट इरीटेट्स मी. बट आज का दिन इरीटेट होने के लिए नहीं रखते, खुद को शांत करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के दिन के साथ. आज का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मैं बाहर घूमने जाने वाली हूँ, मैं थोड़ा हॉल भी शेयर करने वाला. सो अभी उठते हैं और जाके ब्रेकफास्ट लेके आते हैं क्योंकि मैंने जस्ट ब्रश किया है और मेरा बहुत ही बाल ग्रीसी है क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था तेल लगा देने के लिए और मुझे सर्दी भी है. सो ठीक है, अभी जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर नहाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना है. ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ एंड आज का ब्रेकफास्ट है टी एंड बिस्किट्स. सो दिस इज लिकर टी. सो यार मेरे घर पे नॉर्मली लिकर टी बनता है एंड मिल्क टी नहीं, मुझे मिल्क टी ज़्यादा पसंद है बट बिस्किट्स के साथ ही खाना है. सो आई हैव इट एंड देन मीट यू गाइस प्रॉबली. सो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर दिया एंड अभी टिपिकली मैं अभी ट्रेडमिल करके फिर नहाने जाती बट मम्मी मुझे करने नहीं देगी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है. तो शी इज़ लाइक डोंट डू इट, कुछ दिन बाद से वापस कर लेना. एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, आपको मेरे आवाज़ से समझ आ ही रहा होगा. सो आई विल स्किप इट टुडे, सोच रही हूँ क्या करूँ, बट तब तक चलते देखते मम्मी क्या कर रही है द टेबल और चलो देखते हैं क्या है. ओ आज मम्मी चिकन करी बनाएगी. सो शी हैज़ प्रिपेयर्ड एवरीथिंग. दिस इज द पोटेटोज, देन दिस इज अनियंस एंड टमेटोज, देन हियर आर अनियन, जिंजर, गार्लिक एंड दिस इज बी लीफ जो मम्मी ने अभी रखा. तो हम मम्मी से देखेंगे कि आज चिकन करी कैसे बनाते हैं. मेरी मम्मी थोड़ी देर बाद चिकन करी बनाएंगी तो मैंने सोचा तब तक क्या करें. सो मैंने सोचा आप लोगों को एक होमली इंग्रेडिएंट्स के साथ फेस पैक कैसे बनाते हैं दिखा देती हूँ. रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन मैं आज आपको दिखाऊंगी. सो द फर्स्ट आइटम दैट आई हैव ओवर हियर इज दिस बेसन. यू विल नीड टू यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ बेसन, देन यू हैव टू यूज़ टर्मरिक. मेरे पास ये घर पर टर्मरिक है, सो आई एम गोना यूज़ दिस. देन यू कैन ऑल्सो यूज़ हनी, हनी गिव्स यू अ वेरी ग्लोइंग स्किन, सो कैन डेफिनेटली यूज़ दैट. एंड देन यू विल ऑल्सो हैव टू यूज़ अ लेमन. And if you have dahi curd, then you can also use that. That is also very good. So अभी हम देखते हैं कि कितने कितने proportions में हमको चीज़ें लेने हैं. So the first ingredient is this besan, and you will have to take only a little bit of it. मैं सिर्फ इतना लेती हूँ इसका. This is how much I take, and I will put it into this bowl right over here. थोड़ा और ले लेते हैं, इतना सा I put it into this bowl. This is how much besan I took. Then ये turmeric है, शायद एवरेज का turmeric है. turmeric आपको बहुत ही हल्का सा use करना है because you don't want that tingy yellowish color on your skin. So बहुत ही थोड़ा सा, इतना सा बिल्कुल, आप दिखा दीजिए थोड़ा, इतना सा बिल्कुल मैं use कर रही हूँ ताकि ज़्यादा yellowish ना हो. and देन आई विल यूज़ हनी. ये डाबर का हनी मैंने लिया है. हनी भी हम थोड़ा सा ही लेंगे, इतना सा लेंगे ताकि चिपचिपा ना हो मामला. द हनी वी आर गोना यूज एंड देन हम ये लेमन लेंगे एंड मैं इसको लेमन स्क्वीजर में डाल के इसको स्क्वीज कर दूंगी इसमें. तब इन्ग्रीडियंट इसमें है और अब तो इसको सिर्फ मिक्स करना है. सो आप इसको थरली मिक्स कर लीजिए अच्छे से. रिजल्ट आपको कुछ ऐसा लगेगा, इट्स अ थिक टेक्सचर आप देख ही सकते हैं. और इसको बस आपको अपने फेस पे पुट करना है. तो चलिए फेस पे पुट करते हैं. पैक तो लगाना हो गया है, आई एम ऑल ड्रेस्ड इन द पैक, बट अभी चल के देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही है. सो लेट्स गो.
सो गाइज यहाँ पर है मेरी मम्मी, आप देख ही सकते हो। अभी मैं उनको कैमरा पे नहीं दिखाऊंगी, इग्नोर ऑल ऑफ दिस मेस, रहता है वो हर घर पे। बट माय मॉम इज़ कटिंग द चिकन पीसेस। ये है चिकन जो करी आज जो मम्मी बनाएगी। यहाँ पर सब मम्मी ने प्रिपेयर करके रखा हुआ, ये है मिक्सी का जार, मिक्सर एंड ऑल ऑफ द प्रिपेयर्ड थिंग्स। बट मम्मी ने गाइज आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जो मैं आपको बताऊंगी विद इन अ फ्यू मिनट्स। जिस डिसीजन की मैं बात कर रही थी वो है कि मम्मी ने आज डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगी। मैं बहुत दिनों से मम्मी को फोर्स कर रही थी कि आप स्टार्ट करो, बट आज जाके उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगी। बिकॉज माय मॉम मेक्स अमेजिंग फूड, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है। आई ऑलवेज फोर्स्ड हर टू मेक कुकिंग वीडियोज़, बट शी नेवर वॉन्टेड टू। बट आज उन्होंने डिसीजन लिया है कि शी विल मेक हर ओन यूट्यूब चैनल और शेयर ऑल ऑफ द कुकिंग वीडियोज़। सो आज का जो चिकन रेसिपी है, चिकन करी रेसिपी, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, वो उनके चैनल पर जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू वॉच कुकिंग वीडियोज़ और आपको अमेजिंग डिशेस की रेसिपी चाहिए जो आप बिल्कुल एकदम आसानी से बना पाओ, तो आई लिंक माय मॉम्स चैनल बिलो एंड यू गाइस नीड टू सी हर कुकिंग वीडियोज़। यू वांट टू वॉच आज का चिकन करी रेसिपी या कोई भी रेसिपी, डिलीशियस रेसिपीज, बहुत सारे रेसिपी अब जाने वाले हैं बैक टू बैक। इफ़ यू वांट टू वॉच इट आई लिंक माय मॉम्स चैनल बिलो, गो अहेड एंड वॉच इट। ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो चालू करिए, बिकॉज शी ऑलवेज हैड अ इंटरेस्ट इन कुकिंग, उनको बहुत इंटरेस्ट था कुकिंग में, एंड नाउ दैट शी इज़ फॉलोइंग हर ड्रीम्स, इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी। सो या अगर आपको चिकन करी का रेसिपी देखना है सो गो एंड वॉच इट इन हर चैनल विच इज़ लिंक डाउन बिलो। सो अभी जाते हैं और मम्मी का वीडियो शूट करते हैं एंड देन आई कैच यू गाइज जब मैं नहाने जाऊँ या नहाने के पहले। बाय गाइज, राइट नाउ इट्स 2:42 एंड आई जस्ट गॉट डन विद द शावर। आज मैंने रिवर्स शैम्पू किया है। सो पहले मैंने, क्योंकि मेरे हेयर पर ऑयल था तो इसलिए मैंने रिवर्स शैम्पू किया है, उससे आपके बाल बहुत स्मूथ और अच्छे हो जाते हैं। पहले यू हैव टू यूज़ अ कंडीशनर, मैंने लोरियल का कंडीशनर यूज़ किया है। पॉप अप द पिक्चर राइट ओवर हियर सो दैट यू गाइस कैन सी इट। एंड फिर मैंने शैम्पू यूज़ किया, शैम्पू के लिए शायद आज मैंने हेड एंड शोल्डर्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया। मैं वापस पॉपअप कर दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि विंटर्स में मुझे थोड़ा सा डैंड्रफ हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ दैट। एंड हाँ, अभी मैं शैम्पू करके बाहर बैठती हूँ, थोड़ा धूप सेक रही हूँ, एज यू गाइस कैन ऑलरेडी टेल बाय माय फेस आई एम गेटिंग सन किस्ड। एंड आई एम अप्लाइंग माई मॉइस्चराइजर, द सेम ओल्ड मॉइस्चराइजर, एंड अपने बालों को मैं ऐसे डिटैंगल कर रही हूँ। अभी जाके मैं खाना खाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में क्या बना है और उसके बाद मिलते हैं जब मैं शूट करूँगी या बाहर जाऊँगी शायद। तो गाइज मैंने लंच कर लिया और लंच का फुटेज एंड रूटी, सॉरी मैं नहीं ऐड कर पाई, आज का व्लॉग थोड़ा ऐसे ऐसे जा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं है। मैं मम्मी का भी ब्लॉग शूट कर रही थी, उसमें मैं अपना खाना दिखाने ही भूल गई और मुझे भूख भी बहुत लग गई थी, तो मैं खाना बिल्कुल ही दिखाना भूल गई, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पर अब मैं मेकअप करने वाली हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पूरा मेकअप का बॉक्सेस है, एंड अभी मैं मेकअप करने वाली हूँ और कुछ कंटेंट शूट करने वाली हूँ, तो इसी के लिए मैंने मेकअप दिखा लिया है। तो आप लोग टाइम लाइन देखिए, तब तक मैं मेकअप कर लेती हूँ। Hi guys, so I just got ready and I thought I'll quickly show you guys my outfit. This is how I look, my makeup look has turned out. I think it has turned out decent, it looks good, it looks bang on. And now about my outfit, so this is what I'm wearing today. Pants here are from Pantaloons by the company Jealous 21. The high neck over here is a gift, so I don't know where it's from. This is from Latin Quarters, it's a old coat type of thing. And then I'm wearing these earrings which are from Arzonai Misho. So yeah, that is that, and yeah, that's it. Meet you guys once again. Bye.
आईज वाइज जस्ट केम बैक होम एंड हाउ कूल एंड हाउ नाइस डज माई हाईलाइट लुक. सो इट्स ग्रेट इन द कैमरा, आई डोंट नो व्हाई. बट या मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई. आई नीड टू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर माई सेल्फ. सो आई जस्ट केम बैक होम और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली. थोड़ा सा मैंने लाइक घर पे पहनने के लिए पजामाज वगैरह लिए. सो मैं सोच रही थी कि आपको एक हॉल दे दूँ. सो पहले तो मम्मी गाजर लाई फॉर मेकिंग गाजर का हलवा. ये रेसिपी भी मैं ट्राई करूँगी कि मॉम के चैनल पर चल जाए. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप जाके वो देख लो. सो ये गाजर है, इसकी रेसिपी भी मम्मी के चैनल पर चली जाएगी. सो या फिर मैं पहले खाने का आइटम दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ. फिर ये केक बहुत पसंद है मम्मी को और पापा को. तो ये केक, ये शायद कपकेक्स है, फ्रूट कपकेक. तो ये लाया है, दिस इज़ फॉर 30 rupees ईच. सो 3 packets मम्मी ने लिया, परचेज किया. एंड देन ये बॉट सम च्युइंगम्स, 10 rupees का च्युइंगम लिया हमने. दिस इज सेंटर फ्रेश, आई रियली लाइक टू च्यू ऑन देम. सो या ये लिया हमने. फिर हमने लिया एक पेयर ऑफ सॉक्स, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज स्किन कलर का सॉक्स. एंड सो दिस वी गॉट फ्रॉम बिग बाजार एंड दिस रिटेल्स फॉर 69 rupees. वी गॉट दिस. देन दो पजामाज लिए हमने. सो द फर्स्ट पजामा दैट वी हैव ओवर हियर इज दिस पजामा राइट ओवर हियर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसके प्रिंट में आप देख ही सकते हो, बटरफ्लाई बटरफ्लाई है. एंड दिस इज इन द साइज L एंड दिस रिटेल्ड फॉर ₹349. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड आई ऑल्सो गॉट अ पैंडा पजामा. सो ये ऐसा कुछ लगता है, इस पर आप देख ही सकते हो कि पैंडाज बने हुए हैं. ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट ब्लू कलर में है. एंड दिस इज़ ऑल्सो इन द साइज एल एंड दिस रिटेल्स फॉर ₹349 अगेन. सो ये दोनों पजामाज हम लोगों ने लिए बिकॉज पजामाज लगता. सो दीदी ने एक लिया, मैंने एक लिया. और मैंने दो चीज़ें मंगाए थे पर्पल से. सो मैं जब आया था उसका पार्सल का पिक्चर यहाँ पर अटैच कर दूँगी. तो हाँ, मैं दिखा देती हूँ क्या लाई हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस कलर लगता है, सो इसलिए कलर मंगाया हमने. दिस इज़ इन द शेड 3.16 बर्गंडी एंड दिस इज़ फॉर ₹620 बट आई गॉट फॉर ₹527. इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ सेल वॉज गोइंग ऑन सो फॉर दैट. एंड देन एक और मंगाया है, दिस इज़ इन द कलर डार्क ब्राउन, डिटेल्स फॉर ₹62 बट आई गॉट इट फॉर ₹558. सो या दैट इज़ दैट. एंड या अभी मैं एंड कर देती हूँ ये वीडियो क्योंकि अभी मैं जाऊँगी वो सब ब्लॉग्स बनाने. सो आपको बोर नहीं करना चाहती. बट या तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो. ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. एंड इसी के साथ आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए. मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर. तब तक के लिए बाय बाय.